बाजार वाले होटल में पता नहीं कौन सा रंग डालते हैं पालक पनीर में, वैसी रंगत घर पर तो बनती ही नहीं। अगर आपको भी ऐसा लगता है, ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, होगा जरूर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी पालक की टेक्निक बताने वाली हूँ जो बिल्कुल सिंपल है, और पालक का साग या पालक पनीर भी 5 मिनट से कम टाइम में बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ देखिए, मैं ये पालक को अच्छे से पालक की एक गुट्टी लेकर धोकर साफ कर लिया, थोड़ा सा काट कर हल्का पानी डालकर विसल दिलानी है। मैंने यहाँ हल्की सी हल्दी डाली है इसको विसल दिलाते हुए, और जैसे ही उसको एक विसल आ गई, प्रेशर कुकर का स्टीम निकल गया, मैंने एकदम से उस पालक को गर्म पानी में से निकाल कर बर्फ के ऊपर रख दिया, बिल्कुल ठंडे पानी के या बर्फ के ही सीधा ऊपर रख दिया। इससे क्या होगा, जो कुकिंग होगी पालक की वो रुक जाएगी, इसको ब्लांचिंग करना बोलते हैं पालक का। इससे क्या होता है कि इसका हरा रंग बरकरार रहता है। वैसे जब हम पत्ते लाते हैं बाजार से, वो काफी हरे हरे रहते हैं और काफी अच्छी सी रंगत रहती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब हम घर पे पालक पनीर बनाते हैं वो बिल्कुल फिक्का सफेद सा बन जाता है। उसमें चाहे आप बेसन डालकर, जिसको हम पंजाबी में आलन डालना बोलते हैं, उसको डालकर भी आप पीस लेंगे, तब भी जो पालक पनीर की रंगत होगी ना, वो होटल जैसी चटक हरी हरी होगी। जी नहीं, होटल वाले कोई उसमें स्पेशल रंग नहीं डालते हैं, यही ऐसी टेक्निक रहती है जिससे कि आप घर पर बाजार जैसा बिल्कुल चटक रंग वाला पालक पनीर बना सकते हैं। यहाँ देखिए, बस 2-3 मिनट मैंने वेट किया, ये ठंडा हो गया पालक, और उसको मैं अब मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक गेड़ा दे देने वाली हूँ। उसको बहुत ज़्यादा गेड़े प्लीज मत दीजिए, क्योंकि ये जो चटनी मेहंदी सी बन जाती है, जब हम पालक वगैरह को बहुत ज़्यादा गेड़े दे देते हैं तो वो साग में टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब उसके बाद जो है, इसको आप निकाल कर चाहे तो फ्रिज में रख लीजिए, 3-4 दिन बाद बनाइए अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपने तैयार किया है ब्लांच करके, और नहीं तो जैसे मेरी तरह मैंने रात को तैयारी करके रख दी, सुबह बस इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, थोड़ा बेसन डाल देंगे आलन, और इसको मिक्स करके आप 2-3 बारी इसको रिझा कर, और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगी। तड़का लगाना है और पनीर की फाड़ियाँ डालनी है, और जो इसकी रंगत बनेगी ये देखिए आपके सामने ही, बिल्कुल हरी चटकदार बनेगी। आप इस विधि को ट्राई जरूर करिए और पालक पनीर घर पर भी बहुत शानदार रंगत वाला तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, और शेयर भी कर दीजिए ऐसी आसान सी टिप्स अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मिलेंगे ऐसी न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।